जगन्नाथ जी के बारे में जब भी आप थोड़ा व्यवसायिक बात करें, क्योंकि आप लोग सब व्यवसाय से निकल रहे हैं, जगन्नाथ जी के बारे में जब बात आती है तो पूरा भारत नहीं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है केवल एक जगह को देखता है, वो है पूरी। लेकिन विश्वास माने, जिस प्रकार से अभी आप बता रहे हैं कि एक साथ वेशभूषा में, एक प्रभात के वेशभूषा में यहाँ से लोग निकलते हैं, उसकी पूरी यात्रा निकलती है, ये उसका होता है। जब इलाहाबाद की बात आती है, प्रयाग की बात आती है, तो प्रयाग के बारे में जब बात आती है तो हम लोग केवल कुंभ के बारे में बात करते हैं। हमने कुंभ सर्किट बनाने के लिए भी अभी हाल में माननीय प्रहलाद पटेल जी से बात करी, जो भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, मेरे मित्र भी हैं, हमारे सीनियर भी थे जबलपुर में। मैं चाहूंगा कि मैं उनको इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं लाऊं, अगर आपका सबका आदेश होगा तो, क्योंकि संस्कृति उनके साथ में, सतपाल महाराज जी को तो लाऊंगा ही, लेकिन प्रहलाद भाई को भी हम लाएंगे। और कोशिश ये करें कि जिस प्रकार से पुरी के बारे में बात करते हैं, उसी प्रकार से रीवा की जगन्नाथ यात्रा के बारे में भी बात करें, और प्रयाग की जगन्नाथ यात्रा की भी बात करें। जितने लोगों को ये बात पता पड़ेगी उतनी बात बेहतर, जितना इसका प्रचार प्रसार होगा उतना ये अलौकिक बात होगी। कुंभ में तो पूरा भारत आपके प्रयाग में आ जाता है, लेकिन जगन्नाथ यात्रा में भी भक्तों की भीड़ जब आएगी तो यहाँ का पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ का व्यवसाय भी बढ़ेगा, और आखिरकार ईश्वर प्रदत्त जब शक्ति साथ में जुड़ती है और वो कोई दान देती तो वो एक सहज दान माना जाता है। हम व्यवसाय दो प्रकार से कर सकते हैं, एक इनको कहीं ना कहीं अपना इष्ट मान के और इनको अपना अधिष्ठाता मानकर, और एक इनको अपना सर्वोच्च मानकर हम अपना काम करें और उससे कोई लाभ प्राप्ति हो तो वो उसको उचित लाभ कहेंगे, पवित्र लाभ कहेंगे, और एक गलत तरीके से कुछ करें, ड्रग माफिया चलाएं, फलाना माफिया चलाएं, ढिकाना माफिया चलाएं, उससे लाभ प्राप्ति करें तो वो असुरी प्रवृत्ति होती है। तो हमें असुरी प्रवृत्ति की तरफ हम जा ही नहीं रहे हैं। प्रयाग का तो एक आभा मंडल उस प्रकार का है कि वहां यहाँ कहाँ, जैसे कहा है कि सज्जन करीवासा, तो हम लोग कहेंगे यहाँ कहाँ निश्चल करी परिवासा। तो इसको अगर हम इस तरीके से भी लें तो प्रयाग क्षेत्र और रीवा क्षेत्र एक अनूठा मिसाल बन सकता है, और उसके माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को भी हम मजबूत कर सकते हैं, हमारे सनातन धर्म को भी हम समझा सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म क्या है। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज का युवक, मैं क्षमा चाहूंगा, पूछता हमारे आपके परिवार के उनको अगर पूछ ले कि जगन्नाथ जी का स्वरूप कहां से निर्मित हुआ तो उन्हें नहीं पता। जगन्नाथ जी का अगर ये यात्रा निकल रही है तो उनको रथ में क्यों खींचा जा रहा है, ऐसी क्या चीज हुई कि जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर निकाल के, एकमात्र भगवान है जिनको मंदिर से बाहर निकाल के घुमाया जाता है, हम उसको समझे ही नहीं है फिर से, तो हम उनको समझाएं। मैं चाहूंगा कि मंच को ऐसा मिले कि इनके अवतार के बारे में हम चर्चा करें, विस्तार से चर्चा करें। दो उसकी रेखाएं हैं, दो उसके स्ट्रीम्स हैं, दो बातें कही जाती हैं जिससे जगन्नाथ जी का अवतार, एक तो दो माओं का जब मिलन हुआ और वो जब बात करते थे, बात दोनों कर रही थी, और उसमें ऐसा लगा कि उनका प्यार विभोर इतना हो गया कि तीनों जब खड़े थे
तो वो जगन्नाथ रूप में आ गए। एक दूसरा मैं चाहूंगा कि कोई ना कोई समय मिले तो हम अपने यंगर जनरेशन को भी बताएं, क्योंकि अगर यंगर जनरेशन को हम यंगर जनरेशन जो हमारा है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहा जो हमारा यंगर जनरेशन जो है वो प्रश्न उन्मुखी है, हम लोग जैसा नहीं है, हम प्रश्न उन्मुखी नहीं थे। जो समय बदला है उसके कारण जो हमारा ये जनरेशन है वो प्रश्न उन्मुखी हो गया है, वो हर चीज में प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों